सुन सीता सुंदर मुखी चपल चतुर चित चोर मझधार में मेरी नौका है कस पार लगा दे ऐ सीता जिस राह में सच्ची राहत है वह राह दिखा दे ऐ सीता कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर किंचित मुस्का दे ऐ सीता बस यही आरजू है सीता दीदार करा दे ऐ सीता मेरा नाम अमीनुल्लाह खान है मैं नगर पंचायत कुंगरा थाना दर्शियों जिला रायपुर का निवासी रामलीला की शुरुआत सन 1935 में यहाँ के मालगुजार स्वर्गीय नियामतुल्लाह खान जो कि मेरे दादा हुआ करते थे उनके द्वारा यहाँ की रामलीला मंडली संचालित की गई जो अनवरत तब से आज तक चली आ रही है और उन्हीं की परंपरा को मैं निभा रहा हूँ मैं रामलीला में सभी तरह के किरदार निभाया हूँ भगवान विष्णु का रोल किया जैसे दशरथ है बाली है परशुराम है मेघनाद है अहिरावण है वर्तमान में रावण एक महीना इन लोग को रहता है तैयारी 15 दिन रात में करो रिहर्सल फिर दिन में तो मैं तो बोलती दुकान वकान बंद कर दो आराम से बिंदास होकर करो कोई टेंशन नहीं रामलीला के बारे में लोगों का जो सोच है बहुत अच्छा है हमारे गांव के साथ साथ आसपास के गांव वाले भी ये बोलते हैं कि कूड़ा जैसी रामलीला मतलब नहीं होती सुमुखी सयानी मंदोदरी सहित सभी रानियों को तेरी दासी बना दूंगा प्रण यह है कि एक बार मेरी ओर अनुराग से देख ले आज तक कोई भी समाज का व्यक्ति मेरे को ये नहीं बोला कि क्यों कर रहे हो करो या ना करो क्योंकि समाज का ज्यादातर व्यक्ति उस रामलीला से जुड़ा हुआ था आज भी जुड़ा हुआ है दशरथ की इसलिए अच्छा नहीं कर रही क्योंकि ना ये हमारे आदमी करीबी है अभी कोई अपना करीबी जब रो रहा है स्टेज में तो दिल थोड़ा खराब लग जाता है मगर अभी ना इतना अच्छा करते हैं कि वहाँ पे पब्लिक स्वयं भी रोने लग जाती है मैं तो यही कहूँगा कि मेरी खुश नसीबी जो पूरा जैसे गांव में पैदा हुआ जहाँ लोग एक दूसरे को समझते हैं हर कोई एक दूसरे के धर्म का सम्मान करता है जैसा ईद में भाई लोग हमसे गले मिलते हैं दिवाली में हम उनको बधाई देते हैं बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ इस गांव में पैदा हुआ सबसे बड़ी खासियत तो ये मंदिर और मस्जिद शायद ऐसा इंडिया में शायद इस टाइप की मिसाल मिलेगी दूसरी यहाँ की कौमी एकता हिंदू और मुसलमान वो एकता है कि आज हर मुसलमान हर होली में हिंदुओं को साथ देता है और हर हिंदू हर ईद और बकरीद में मुसलमानों को साथ देता है मंदिर और मस्जिद एक ही जगह हम देखे हैं देखा तारा था अब वो अपने जगह में मतलब नमाज करते अब हमन जिन आते हम भजन गाते हैं कोई खराब नहीं है एक साथ से आवाज़ है वो भी हम उसके बारे में नहीं बोलते हैं ना हमारे बारे में बोलता है अब वो भी उसके हम भी चल जाते हैं अब वो भी हमारे यहाँ आता है शामिल में हमारे सरपंच बने थे ना मुसलमान बने थे जो कई साल हो गए 25 साल काम किया अभी वर्तमान हम एक साथ चलते हैं एक साथ में खाते हैं भी आज भी कम सब्जी शादी उदी होती तो हम लोग वो पूछते हम बोला पूछते हैं हाँ प्रेम भाव यहाँ का भाई कूरा रियासत काल में कुंवरगढ़ के नाम से थी यहाँ राजा कुंवर सिंह गौड़ का वर्चस्व था वर्तमान में ये कुंवरगढ़ से कूरा हो गया यहाँ की संस्कृति इतनी अच्छी है कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई जैसे रहते हैं यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है यहाँ हिंदू बच्चा मस्जिद में खेल के बड़ा होता है और मुसलमान बच्चा मंदिर में खेल के बड़ा होता है 1935
अक्टूबर को मेरे शादी का सालगिरह है, तो उसी दिन दशहरा हुआ। ये एक डायलॉग भी बोले थे मेरे लिए। अच्छा, दशरथ का डायलॉग बोला था तेरे को? है प्राण प्रिया, है यह क्या, बोलो तो ये हालत क्यों है, बेवक्त फूल से मुखरे की मुरझाई हुई रंगत क्यों, लटके मोती क्यों बिखर गए, मन मार मार क्यों मचल गया, पड़ गई मांग उलझन में है, काबुल के फूल का रंग क्यों बिखर गया, प्यारी उठो श्रृंगार करो, पृथ्वी पर पड़ी कराहती हो, कुछ दर्द है या सदमा है, क्या चाहती हो क्या मांगती हो।